अंजना देवी नाम है इनका। इनका कुछ साल से 15 से 20 ईयर्स पहले इनका मतलब अर्थराइटिस और जॉइंट्स का नी का पेन था। इन्होंने बहुत डॉक्टर से कंसल्ट करके मतलब उनका ट्रीटमेंट लिया, मतलब दवाई चला, सुई भी लगी, लेकिन एक एट टाइम थोड़ा टाइम के लिए रिलीफ मिलता था, लेकिन फिर से वो पेन के लिए सुई लेना पड़ता था। तो जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम आई इनको चलने में, बैठने में। बोला कि भैया यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उन्होंने एज अ कलीग से ऐसे बात किया कि यहाँ पे सबसे बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, तो उन्होंने रिकमेंड किया DY पाटिल का। तो यहाँ पे एज अ यहाँ पे आए, तो एज अ अर्थराइटिस के रिगार्डिंग यहाँ आए थे DY पाटिल, पर यहाँ के अर्थराइटिस के डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं, ये अर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ये पेन हो रहा है तो आप एक बार ऑर्थो से कंसल्ट करो। तो ऑर्थो से कंसल्ट किया तो डॉक्टर राहुल ने एज ए यहाँ पे देखा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं एक्सरे निकलवा लेता हूँ। तो इन्होंने बोला कि इसको ऑपरेट करने में ही बेटरमेंट है, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ऑपरेट करा लो, नी रिप्लेसमेंट करा लो और बॉल्स भी निकल जाएंगे। तो मैंने अप्रैल में इनका राइट नी का हुआ और अभी आपका सेकेंड लेग का हुआ आपका नी रिप्लेसमेंट। तो फर्स्ट वाला नी तो बहुत अच्छा था, उनका काम हो गया, और अभी जो उनका लेटेस्ट का जो अभी नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो वो भी बेस्ट है। तो उन्होंने मतलब ऑपरेशन होने के एक दिन के बाद ही मतलब वॉकिंग कराना चालू करवा दिया था, और अभी इनका फिजियोथेरेपी चल रहा है। तो यहाँ का हॉस्पिटलिटी भी बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं।